इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब हम WhatsApp पर कोई फाइल वगैरह भेजने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का एक एरर हमारे सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है द फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड। तो क्यों ये आता है और इसको क्या सोल्यूशन है, इसको फिक्स कैसे करें, इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगने पर वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो ये आता है द फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड, मतलब जो आप फाइल भेज रहे हो जो उसका फॉर्मेट है वो गलत है या फिर सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पर आप फाइल भेज रहे हो, यहाँ पर अगर आप स्टेटस वगैरह लगाने की जो कोशिश कर रहे हो तो वो सभी केसेस में इस तरह का एरर आता है। तो इस एरर को पहले समझना है, फिर उसके बाद फिक्स करना है, सॉल्व करना है। तो हम जो फाइल एज ए स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस वाला जो फाइल होता है वो एज ए MP4 होना चाहिए या फिर HD होना चाहिए, 3GP होना चाहिए, मतलब क्वालिटी उसकी जो होनी चाहिए वो वीडियो के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो क्वालिटी है वो कुछ अलग हो जाती है, मतलब जो फाइल फॉर्मेट है वो अलग होता है। तो आपको पहला काम ये करना है कि आप जो भी फाइल को डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को भेजने की कोशिश कर रहे हो, आपको उस फाइल का नेम रीनेम करके उसका फॉर्मेट बदल देना है। फॉर्मेट किस तरह से बदला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर में आऊँगा और यहाँ पर एक मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक वीडियो ले लेनी है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पर इस इमेज है। तो इस इमेज का आपको फाइल फॉर्मेट जो है बदलना है। देख सकते हैं ये इमेज है और यहाँ पर इसके लास्ट में क्या लिखा है, JPEG। तो ये इस फाइल का जो है ओरिजिनल फॉर्मेट है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर लिखा आता है PNG, यानी कि PNG का एक फॉर्मेट है लेकिन वो अलग है, कभी कभार वो सपोर्ट नहीं कर देता है। तो यहाँ पर PNG है तो हमें इसको बस हटाना है, ये डॉट लिखा डॉट है उससे आगे जो है वहाँ से हमें हटाना शुरू करना है और आगे यहाँ पर हमें उसका फाइल फॉर्मेट एक सही फाइल फॉर्मेट लिखना है। यानी कि अगर वीडियो को अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आप MP4 लिख सकते हैं या फिर 3GP भी लिख सकते हैं, लेकिन MP4 बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से आगे MP4 लिख दीजिए अगर वहाँ पर कुछ और लिखा रहा है, अगर वीडियो के आगे, मतलब यहाँ पर ये नाम से इसको चेंज करने से कोई नहीं होगा, लेकिन डॉट है उससे आगे आपको ये फाइल फॉर्मेट बदल जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी इमेज को कर रहे हैं तो इमेज को आपको JPEG में ही लिखना है। JPEG में अगर आप लिखोगे तो वही वो फाइल एज अ वैलिड फाइल मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं JPEG लिख देता हूँ, पहले तो वैसे भी JPEG था, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, अगर आप कोई MP3 सॉन्ग भेजने की कोशिश कर रहे हो एंड MP3 वो ओरिजिनली फाइल MP3 में नहीं है तो आप उसको MP3 में कर सकते हैं। उसका नाम यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल है तो यहाँ पर इसके लास्ट में MP3 लिखा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल जो फाइल थी वो 3GPM में इस तरह का फॉर्मेट उसका ओरिजिनली था। अलग अलग फ़ोन में, अलग अलग एप्लीकेशन में हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें वो फॉर्मेट अलग अलग तरीके से बनता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी कोई सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर देख कर जाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।